इनके चाहने वालों ने तो इन्हें पहचान लिया होगा, पर अगर आप लोगों ने इन्हें नहीं पहचाना तो बता देता हूँ। जनाब, स्कूटी पर बैठी हैं श्रद्धा कपूर। जी हाँ, ब्लैक स्टॉल से मुंह को कवर करके स्कूटी पर इस अंदाज में श्रद्धा कपूर निकली हैं ऋषिकेश की गलियों में। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। दरअसल बॉलीवुड की क्यूट गर्ल श्रद्धा कपूर फिल्म बत्ते गुल मीटर चालू की शूटिंग कर रही है उत्तराखंड के ऋषिकेश में। फिल्म के कई सीन्स की शूटिंग वहां के आसपास के इलाकों में की जा रही है, लेकिन हाल ही में श्रद्धा कपूर का ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें श्रद्धा कपूर स्कूटी पर बैठी हैं और गलियों से गुजरती नजर आई हैं अपने चेहरे को काले कपड़े से ढक कर। तो देखा आपने, दरअसल ये वीडियो ऋषिकेश में फिल्म बत्ते गुल मीटर चालू की शूटिंग के दौरान का है। इसमें श्रद्धा स्कूटी पर बैठी नजर आ रही हैं, साथ ही उन्होंने अपने चेहरे को ब्लैक कलर के स्टॉल से कवर किया है। वीडियो में साफ दिख रही है कि उन्हें देखकर फैंस बेहद एक्साइटेड हैं, खुश हैं। इसके साथ ही श्रद्धा एक बच्ची के गाल को प्यार से छूती हुई भी नजर आ रही हैं। वो बच्ची अपने माता पिता के साथ बाइक पर बैठी थी, पर आखिर श्रद्धा स्कूटी पर बैठी क्यों? तो जनाब, ऐसा लगता है कि गलियों में जहां इनकी गाड़ी नहीं पहुंच सकती, वहां पर श्रद्धा स्कूटी से अपनी शूटिंग लोकेशन तक जा रही है। श्रद्धा की फिल्म बत्ते गुल मीटर चालू की बात करें तो इस फिल्म में उनके ऑपोजिट शाहिद कपूर नजर आने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक ये फिल्म एक लव ट्रायंगल है। इसमें यामी गौतम स्पेशल अपीयरेंस में है। यामी एक वकील का किरदार निभा रही है। वो इस फिल्म में शाहिद के बिजली चोरी को रोकने की मुहिम में मदद करती नजर आएंगी। इस फिल्म का डायरेक्शन श्री नारायण सिंह कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा डायरेक्ट की थी। उनकी ये फिल्म सुपरहिट रही थी, पर एक बार फिर से सामाजिक मुद्दे के साथ वो एक नए विषय के साथ दस्तक दे रहे हैं फिल्म बत्ते गुल मीटर चालू में। लेकिन फिलहाल तो श्रद्धा कपूर का ये वीडियो वाकई उन्हीं की तरह काफी क्यूट है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।